नमस्कार दोस्तों मैं राजेश कुमार सिंह नॉलेज जेड प्लस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यू पी पी जी टी टू थाउजेंड अलेवन का बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर जिसमें हम आज ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे ये जो भी क्वेश्चन हैं वो यू पी पी एस सी जी आई सी लेक्चरार के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन रानी खेत डी जी जी एसोसिएटेड विथ इसका करेक्ट ऑप्शन है ए पोल्ट्री रानीखेड डिजीज को न्यू कैस्ट्रल डिजीज नाम से भी जाना जाता है इस डिजीज में क्या होता है कि जो बर्ड्स के बीक होते हैं वो खुले रहते हैं ओपन रहते हैं और ये थर्स्टी फील करते हैं और इन्हें फीवर होता है और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू द एग ऑफ एम्फी ऑक्सस इज इसका करेक्ट ऑप्शन है बी माइक्रोलिसाइथल अमाउंट ऑफ याक के बेसिस पे ये सब चीज़ें हैं ए लेसाइथल माइक्रोलेसाइथल और मिजोलेसाइथल जो एक के ये सब टाइप हैं तो एल लेसाइथल जो होता है ये विदाउट याक होता है इसमें याक नहीं पाया जाता है तो इसका एग्जाम्पल जो होता है एग्जाम्पल इसका है यू इसको याद रखिए एग्जाम्पल से ही पूछा जा रहा है क्वेश्चन यू और माइक्रोलेसाइथल में क्या होता है वेरी स्मॉल अमाउंट में जो याक पाया जाता है तो इसका एग्जाम्पल एम्फक्स और हाइड्रा हाइड्रा इसमें ऐड कर लीजिएगा हो सकता है नेक्स्ट टाइम हाइड्रा दे एग्जाम्पल में और नेक्स्ट मीजो लेथाइथल में ले मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉक पाया जाता है इसका एग्जाम्पल जो होता है एनलिडा और मुलास्क इसको याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री टॉक्सिसिटी ऑफ पेस्टिसाइड कैलकुलेटेड एज इसका करेक्ट ऑप्शन है बी एल डी फिफ्टी पेस्टिडाइड पेस्टिसाइड प्रोडक्ट का एल डी फिफ्टी जितना कम होगा उसकी टॉक्सिसिटी ह्यूमन और एनिमल्स के लिए उतनी ही ज़्यादा होती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर आर्गेनो फास्फोरस इंसेक्टिसाइड इनबिट द एक्शन ऑफ इसका करेक्ट ऑप्शन है सी एस्टील कोलिन एस्टरेज इसमें क्या होता है कि एस्टील कोलिन जो होता है आपके बॉडी में एकुमुलेट हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव ईपी मार्फोसिस इज इसका करेक्ट ऑप्शन है बी रीजनरेशन ऑफ लास्ट पार्ट अगर पूछा जाएगा इसका एग्जाम्पल तो ये सेलमेंडल लिम्स से में पाया जाता है लिम्स में पाया जाता है एपिमार्पोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया जिस समय पे क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था उस समय इसका करेक्ट ऑप्शन था डी एटीन सॉरी सेवेंटीन उस समय सेवेंटी बायोस्फीयर रिजर्व थे इंडिया में और इस समय अगर अब पूछा जाएगा यह क्वेश्चन तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एट्टीन क्योंकि इस समय नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया एट्टीन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हाउ मच फॉरेस्ट कवर शुड बी देयर इन हेली एरियाज इसका करेक्ट ऑप्शन है सी सिक्सटी सेवन परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ़ दिच इचकाल टेर ऑफ बंगाल आसान क्वेश्चन है इसका करेक्ट ऑप्शन है ए आइकॉर्निया इसे वाटर हाइसिंथ नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन विच इकोलॉजिकल पिरामिड इज नीभर इन्वर्टेड ऐसा दबाहर क्वेश्चन है इसका करेक्ट ऑप्शन है सी एनर्जी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन आर एन ए डिपेंडेंट डी एन ए पॉलीमरेज लिस्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ इसका करेक्ट ऑप्शन है सी सी डी एन ए आर एन ए डिपेंडेंट डी एन ए के लिए टेमिन और बाल्टीमोर को नोबेल प्राइज दिया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अलेवेन विच ऑफ़ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कैपेसिटी टू कैरी ए फॉरेन जीन एज ए वेक्टर इन टर्म ऑफ केबी पी एस इसका करेक्ट ऑप्शन है एग वाईएस ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम बैग का फुल फॉर्म है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम और जो साइज होता है कास्मिड प्लाजमिट का सबसे कम होता है फिर कॉस्मिट फिर बैग फिर एग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग वेरियस डीएनए एन ए साइज वाइज इज कॉल्ड इसका करेक्ट ऑप्शन है डी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन द डीएनए पॉलीमरेज विच इज यूज इन पी सी आर इज डिराइव फ्रॉम इसका करेक्ट ऑप्शन है डी थर्मस एक्विक एक्वेटिकस टेक पॉलीमरेजाइम थर्मस एक्वेटिकस से निकाला गया था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एल एलर्जी फॉर कॉमन एलर्जेंस इज ड्यू टू हाइपर एक्टिविटी ऑफ इसका करेक्ट ऑप्शन है सी आई जी ई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन न फिफ्टीन पी एंड क्यू आर जिन फ्रिक्वेंसीज ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव रिसेसिवल रिस्पेक्टिवली विच एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर हार्डी विनबर्ग ला इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पी प्लस क्यू इजकल टू वन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन सीट इन स्पर्म इज प्रजेंट इन इसका करेक्ट ऑप्शन है बी मिडिल पीस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन इन ह्यूमन हाउ मेनी ओवा आर आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन प्राइमरी उइड इसका करेक्ट ऑप्शन है ए वन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन सिस्टोमा इज कॉमनली कॉल्ड इसका करेक्ट ऑप्शन है सी ब्लड फ्लूक लीवर फ्लूक डार्क टैप वर्म सी फ्लूक इसका साइंटिफिक नाम इसका साइंटिफिक नेम आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ग्लोसिना पेल्पलिस इज ए वेक्टर ऑफ इसका करेक्ट ऑप्शन है सी स्लीपिंग सिकनेस ग्लोसिना पेल्पलिस को साई साई फ्लाई का नाम सुना होगा आपने इसी का नाम है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड इसका करेक्ट ऑप्शन है सी मेथियोनिन सल्फर कंटेनिंग एसिड सिस्टीन सिस्टीन भी याद रखिएगा आप सिस्टीन और मेथियोनिन ये दो होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन फॉर रोवल्यूशन इन ह्यूमन फीमेल ईच इसका करेक्ट ऑप्शन है बी राइज इन एल एच लेवल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू पिंटाडा उलगेरिस ईच इसका करेक्ट ऑप्शन है सी पर्ल ओइस्टर पर्ल जो होता है इसी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री रॉक बी इच इसका करेक्ट ऑप्शन है सी एपिस डटा एपिस डारेटा जो है सबसे लार्जेस्ट बी है इसलिए इसका नाम जायंट हनी बी के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टर्सर सिल्क इज इस फ्रॉम? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी एंथ्रेरिया पैफिया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव आज का लास्ट क्वेश्चन है स्ट्रोमेटियस अर्जेंटिकस इज कॉमनली कॉल्ड इसका करेक्ट ऑप्शन है ए इंडियन पॉम्प्रेट ये जो होता है ओवल शेप का होता है इसकी बॉडी बिल्कुल कंप्रेस्ड होता है थैंक यू